नमस्ते दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मूढ़ी घुमक्कड़ कहाँ चल दिए। तो मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं पुष्कर मेला देखने। जयपुर से हम निकले थे दोपहर में, अजमेर हम निकल चुके हैं, पुष्कर की चढ़ाई हम कर रहे हैं। अजमेर से जब पुष्कर के लिए जाते हैं तो रास्ता पहाड़ों में से होके जाता है। पहले हम पहाड़ के लिए चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, तब पुष्कर आता है, क्योंकि पुष्कर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर सिटी है। और पुष्कर मेले का तो क्या ही कहना, जैसे सबको पता है बहुत ही रंगीन मेला होता है, कितने सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजस्थान को तो वैसे भी रंगीलो राजस्थान कहते हैं। तो हमारे साथ इस पुष्कर मेले की यात्रा में आप बने रहें। मैं आपको बता दूं, पुष्कर मेला कार्तिक महीने की गोपाष्टमी से चालू होता है और 8 दिन के लिए चलता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को सबसे बड़ा महीना माना जाता है। जब आप किसी भी धार्मिक स्थान पर कार्तिक महीने में स्नान करते हैं तो भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जब कार्तिक महीना होता है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं और जो हमारे धार्मिक सरोवर हैं उनमें स्नान करते हैं। और सबसे पहले हम मेले की शुरुआत करेंगे शिल्प ग्राम से। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि हमने जो मेले का पार्ट है वो 3 पार्ट में शूट किया है, जिसके ब्लॉग आपको हमारे चैनल पर एक के बाद एक मिल जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे शिल्पग्राम मेला, रात में मेला कैसा लगता है, और उसके बाद जो राजस्थान टूरिज्म की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनकी झलक दिखाएंगे। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम जो राजस्थान की सबसे फेमस डांसर है गुलाबो जी, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। जैसा कि सबको पता है वो पद्मश्री प्राप्त कर चुकी हैं और बहुत अच्छी और बहुत फेमस डांसर हैं। तो आइए हमारे साथ ब्लॉग में आप आगे बने रहें। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पूरी दुनिया में एक ही है। आगे के वीडियोस में हम आपको महाआरती के दर्शन कराएंगे और जो पुष्कर में डेजर्ट सफारी होती है वो भी दिखाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, मूढ़ी घुमक्कड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक हम शिल्पग्राम पहुँचे थे शाम हो चुकी थी और आगे हम आपको दिखाएंगे कि शिल्पग्राम कितना सुंदर था और लोक कलाकार कितने अच्छे से वहाँ म्यूजिक को प्रेजेंट कर रहे थे। शिल्पग्राम RTDC के टूरिस्ट प्लेस में लगा हुआ है। अगर आप अभी पुष्कर मेला जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और हमारे साथ आगे तक वीडियो में बने रहें। बहुत कुछ है मजेदार आगे वीडियो में देखने के लिए। मारे कर देवरी राजा निमुड़ा रे निमुड़ा रे निमुड़ा रे निमुड़ा रे निमुड़ा रे निमुड़ा 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 माने कच्चा 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 निमुड़ा लाये निमुड़ा लाये लाये तो माने लाई तो ग्राम से निकले तो रात हो चुकी थी। उसके बाद हम आगे बढ़े। राजस्थान टूरिज्म की तरफ से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मेला ग्राउंड में रखे गए थे वो हमने अटेंड किए और इनको देखने के बाद हमें लगा कि राजस्थान को रंगीलो राजस्थान क्यों कहते हैं, कितने कलर थे, कितना अच्छा म्यूजिक था। जब आप आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राजस्थान इतना कलरफुल क्यों है। राजस्थान के सारे मेलों की जानकारी आपको राजस्थान टूरिज्म की साइट से मिल जाएगी।
आती। निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा।
सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हम वहां से निकल गए, क्योंकि अब हमें रेस्ट भी करना है। और अगले जो हमारा पार्ट टू आएगा पुष्कर मेले का, उसमें हम आपको दिखाएंगे पुष्कर मेले की महाआरती, जिसके लिए पुष्कर काफी फेमस है, और ब्रह्मा जी के मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार करें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें, तभी आपको पता चलेगा कि पुष्कर मेला पार्ट टू कब आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।